हमें तलाश होती है अपनी खुशियों की, अपनी चाहतों की और अपने सपनों की, पर हम उन्हें पूरा कर पाते हैं या नहीं जानते हैं क्यों? क्योंकि हम विधि नहीं जानते। अपने आप को सफल बनाने की विधि, उसी तरह जैसे हमारे पास मेहनत तो है पर किस्मत नहीं, पर गलत है। हमारे पास किस्मत तो होती है पर वो विधि नहीं होती। जी हां, मेहनत को सही दिशा में किया जाए तो निश्चित ही किस्मत को बदला जा सकता है। इसका ज्ञान ही विधि है। उसने भी अपनी मेहनत की दिशा को बदल इतिहास लिखा। आय के निम्न स्तर से उठ डायमंड शिप का सफर तय किया। सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड में बन के डायमंड लीडर नरेंद्र कुमार। मवई लाल गांव, तहसील सफीपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। यहां से शुरुआत हुई नरेंद्र के पिता की। श्री टेकराम खेती करते और उनकी पत्नी श्रीमती शिवबती घर गृहस्थी को संभालती। इन्हीं की दूसरी संतान का जन्म 2/7/1990 को हुआ। नाम रखा नरेंद्र। अपने तीन भाइयों के साथ बचपन जीना शुरू किया ही था कि पिता उन्नाव छोड़ लखनऊ आ गए। पिता ने लखनऊ में सब्जी का ठेला लगा जीवन की दोबारे शुरुआत की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से ही स्कूल की शिक्षा प्रारंभ हुई। राजकीय जुबली कॉलेज 12वीं तक की शिक्षा ली और जीएल वर्मा कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। उच्च शिक्षा मार्केटिंग में एमबीए किया और अपने सपनों को पूरा करने का आधार रखा। वारबी से ही अपनी आर्थिक हालात को सुधारने का प्रयत्न करने लगे। जो काम मिलता वही काम करते। कभी जनगणना का काम किया तो कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते। ग्रेजुएशन के बाद मार्केट रिसर्च कंपनी में काम करने लगे। शहर दर शहर जाते और सेवा करते। कुछ समय बाद एमजीएम कॉलेज में कंप्यूटर टीचर के तौर पर काम करने लगे। इतने साल काम करने के बाद भी अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। यही सोच उन्हें परेशान कर दी। इसी का हल मिला अवध सर के पास। उन्होंने सेफ शॉप के बारे में बताया तो उसे ज्वाइन कर लिया। 3 ID लगा, काम करना शुरू किया। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ अपने भाई को, तो लग गए काम करने। मार्केटिंग से एमबीए किया था पर इस व्यवसाय का अलग ही रास्ता था। तो नहीं वो सुबह रातों को जिसकी खातिर चले, कटता नहीं है ये रास्ता, लो वो तेरा ही तुम ये फासले, फर्क न होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले। We'll be right back.
डॉक्टर अवध सर के सानिध्य में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। पूरे मन के साथ अपने आप को तैयार किया और अपने सपनों तक की मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार किया। टीम की शुरुआत हुई तो टीम में रिकॉग्नाइजेशन हुआ। अब जरूरत पड़ी गाड़ी की तो सेफ शॉप से पैसा कमा, अपने लिए गाड़ी खरीदी। सफलता की तरफ बढ़ने लगे कि नेटवर्क क्रैश हो गया। टीम का काम लगभग बंद हो गया, आय समाप्त हो गई। कर्ज 50,000 ले अपने पिता को दिया पर हार नहीं मानी और फिर से जुट गए अपनी टीम के साथ, शरद सर के साथ और काम किया। एक समय आया जो उनके लिए खुशी लेकर आया, अपने लिए कार खरीदी। इसी दिन पिता को सब्जी के काम से रिटायर्ड कर दिया। पिता ने माता के साथ मिल नरेंद्र की शादी का प्रस्ताव रखा, पर नरेंद्र डायमंड शिप तक पहुंचने तक शादी नहीं करना चाहते थे, तो अपने छोटे भाई की शादी के लिए कह दिया। और आज मेहनत के दम पर वो 10,000 की टीम का आंकड़ा पूरा कर चुके हैं और डायमंड शिप तक पहुंचने को तैयार है। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम भोज स्वरूपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मन शिवा। हौसलों की बढ़ती है, रोशनी बढ़ती जाती है।